सत्ता बनेगी, जो सरकार बनेगा, मोदी जी जो इतना हिंदुस्तान में लोगों को अफवाह उड़ा के रखा है, हिंदुस्तान में कोरोना है, अगर कोरोना है तो भाई इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? अब इलेक्शन मत कराइए ना, आप चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन क्या है कि किसानों को भगाने का एक नजरिया है, उन्होंने सोच लिया है किसान को हिंदुस्तान में बैठने ही नहीं देंगे। जो आप बोल रहे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, कोई भी, यहाँ इलेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा सिर्फ जातिवादी, जय श्री राम, ये वो। अगर कांग्रेस जीत भी जाता है तो सत्ता में आ जाएगा? नहीं आएगा। सीपीएम आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये लोग जीत के करेगा क्या? ये लोग आया है वोट काटने के, उसके पीछे जो समझदार है वो टीएमसी के पास ही जाएगा। बीजेपी चोर है, मोदी चोर है, योगी है, लोग चोर है। योगी से बड़ा, अमित शाह से बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। भाई मोदी मीडिया बीजेपी, ठीक है, पब्लिक रिव्यू टीएमसी, जो जेन्युइनली जो घर घर में शोर है वो सिर्फ टीएमसी का शोर है। देखिए आप इतना पूछ रहे हैं सरकार किसकी बनेगी, तूफान आता है तो पत्ता जो रोड पे रहता है, झाड़ का पत्ता होता है तो बहुत उड़ता है, लेकिन जब बारिश होता है तो पत्ता बैठ जाता है। ममता बनर्जी अब बारिश बन के बैठेगी, मोदी उड़ जाएगा। दोस्तों मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा आप जानते हैं कल पांचवें चरण का चुनाव होने जा रहा है और पांचवा चरण बेहद खास है क्योंकि बेहद जल्दी वो तारीख नजदीक आ रही है जिसमें ये पता लगेगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। और कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल का चुनाव बताएगा भारत का भविष्य, कि 2024 में क्या भविष्य होने वाला है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। मेरे साथ जनता मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे लोगों से कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको सत्ता में लाना चाहते हैं। पांचवें चरण से पहले बेहद जरूरी है लोगों की राय जाननी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? खेला होबे, खेला होबे, लेकिन खेला किसमें होगा? खेला तो भाजपा भी कह रही है कि बड़ा खेला होबे, उसका कोई खेला नहीं होगा, जो खेला होगा ममता दीदी का खेला होगा और हो रहा है। आपको लग रहा है? हम लोग सब खेल रहे हैं, हर जगह खेला हो चुका है, अब यहाँ का खेला बाकी है, जो 26 या 22 को जब भी डिसाइड होता है खेला होगा। क्या किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी की सरकार बनेगा, मोदी जी जो इतना हिंदुस्तान में लोगों को अफवाह उड़ा के रखा है कि हिंदुस्तान में कोरोना है, अगर कोरोना है तो भाई इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? आप इलेक्शन मत कराइए ना, आप चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन क्या है कि किसानों को भगाने का एक नजरिया है, उन्होंने सोच लिया है किसान को हम हिंदुस्तान में बैठने ही नहीं देंगे। अच्छा। इसलिए वो कहे कोरोना है, कोरोना है, कोरोना, बाकी कोई कोरोना नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है किसान आंदोलन खत्म करवाने की तैयारी? हाँ, जैसे हम लोगों का किया है वैसे ही इसको भी हटा देगा, हटाने के लिए ही बाकी कर रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग और जो बंगाल में किसकी सरकार है? बंगाल में तृणमूल की सरकार बन रही है और 100 बनेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने नंदीग्राम में 30 सीट का हमने भाई कैलकुलेशन किया है तो हमने 26 सीट जीत लिया। क्या आपने मशीन में घुस के देखा था? आपने मशीन में घुस के देखा था 26 सीट? तो आपने 4 सीट क्यों छोड़ दिया भाई? 4 सीट क्यों छोड़ दिया? वो भी ले लेते, जैसे बिहार को आपने बेकू बना के ले लिया। अच्छा, वो भी ले लेते। अच्छा, क्या वजह है कि आप लोग टीएमसी चाहते हैं कि सत्ता में आए? बहुत अच्छी सरकार है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिख ईसाई सब भाई भाई यहाँ है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबसे बेटर बंगाल है या नहीं, आप ही बोलिए। यहाँ के कितने किस्म के लोग, चाहे महाराष्ट्र के लोग बोलिए, बिहार के लोग बोलिए, यूपी के लोग बोलिए, सभी के लोग आके यहाँ पे अपने घर गृहस्थी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, काम काज कर रहे हैं, सब आराम से कर रहे, कोई इनको नहीं रोकता। हालांकि मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार को बिहार के लोग से, यूपी के लोग से खिलाफ है, पर देखिए बंगाल में ममता दीदी आज तक कभी नहीं बोली, सबके लिए एंट्री है। क्या बताइए किसकी सरकार? ममता की सरकार। युवाओं की राय जानने, क्या काम हुए? बहुत काम किए, बहुत विकास किए। 2-4 काम बता दीजिए। बहुत सा हॉस्पिटल बना, पीजा हमना सीरी है, हॉस्पिटल में पीजी हॉस्पिटल है, ये बता रहे हैं आप, बताइए क्या काम हुए यहाँ? बहुत काम हुआ है, आप यहाँ से निकलिए, आप अपना बंगाल में इससे पहले, ममता से पहले जितना साल भी सीपीएम था, सीपीएम के इसमें कितना काम हुआ, एक काम भी बताइए, एक काम अच्छा काम हुआ। ममता आने के बाद हमारा यहाँ से, आप किदिरपुर से लेके जितना भी कोई, अगर भुई क्लास का मंदिर, इससे पहले जब सीपीएम था तब मंदिर का क्या हालत था? कुछ हालत नहीं था, वहाँ का आदमी लोग पूजा करने से पहले बोलता था कि, जाने से डरता था कि मंदिर सर के ऊपर गिर जाएगा वहाँ का जो पत्थर है। आज जाके काम देखिए, वो काम हमारा बॉबी दा करवाया। फिर वहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ पर हम लोग 139 में चले जाइए, हम लोग सीख लाइन मडिया ब्रुज की तरफ चले जाइए, वहाँ पर रात में आदमी जाने से पहले डरता था, आदमी डरता था कि आदमी का पैसा कुछ कोई छिनताई कर लेगा, कोई कुछ हो जाएगा, वहाँ ऐसा था।
ठीक है, वो किसका राज में था? सीपीएम का राज में था। वहां आने के बाद सबसे पहले वहां लाइट कौन लगवाया? बॉबीदा लगवाया। पानी के लिए आदमी जाके, लेडीज जो लड़कियां थी हमारे घर के माँ बहने थी, वो लोग जाके लाइट में गाड़ी के पीछे छुप छुप के बाथरूम वगैरह एक्स वाई जेड करती थी वहां पर। ठीक है, बॉबीदा जाने के बाद वहां पर बॉबीदा क्या करवाए? शौचालय बनवाए। वहां सबसे पहले घुसा तो इलेक्ट्रिसिटी घुसा, सेकेंड क्या घुसा? वहां पर शौचालय गया, उसके बाद वहां पर लाइट गया, रोड बना। वहां तो गाड़ी जाने लायक नहीं था, वो रास्ता बना। वहां पर सिर्फ एक कॉलेज था, आज वहां पर देखिए तीन तीन कॉलेज है। लड़कियां जो भी थी वहां का सब क्या है, वहां पर इंग्लिश, वहां इंग्लिश कॉलेज एक भी नहीं था, सिर्फ उर्दू कॉलेज था। आज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब सारे हैं वहां पर। वहां पर का रोड देखिए, उसके बाद वहां से अब इस तरफ आइए, यहाँ चले जाइए, आपको लगेगा अगर थोड़ा सा खिदिरपुर से बाहर जाइएगा तो आपको फ्लाईओवर में जाने के बाद लगेगा कि साला बहुत अच्छा रास्ता है, जवाब ही नहीं है, सब चीज का है। क्या भाजपा और टीएमसी के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट या भाईजान का कोई जादू नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, क्या चलेगा? क्या चीज का जादू? जादू का तो एक नाम होना चाहिए, क्या चीज का जादू? जादू तो यहाँ पर ही चल गया ऑलरेडी। इसका चला पेट्रोल देखिए कितना हो गया, डीजल देखिए कितना हो गया, क्या से क्या नहीं बदला है देखिए ना। यहाँ वोट कहाँ और आप बताइए, जो आप बोल रहे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, कोई भी, ठीक है ना, यहाँ इलेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा सिर्फ जातिवादी, जय श्री राम, तो ये वो। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अल्लाह अकबर या नारे तक भी मजार या मस्जिद में बोलते हैं, हम लोग बाहर तो नहीं कह रहे ना ये चीज। आदमी जय श्री राम बोलना जाके आप मंदिर में बोलो, अल्लाह अकबर जो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग मस्जिद में बोल रहे, बाहर तो नहीं बोल रहे। ये हो रहा है एक तरह से, वो कर रहा उल्टा खेला, पर यहाँ जो ममता बनर्जी जो खेला कर रहा है ये खेला होगा सीधा खेला, यहाँ कोई उल्टा खेला नहीं होगा, यहाँ सीधा खेला होगा। हाँ, यहाँ पर ही खेला हो चुका है, खेला कह रहा है मोदी जी, बड़ा खेला होगा इस बार, खेला होगा बहुत बड़ा खेला होगा, हम करेंगे। मोदी जी ये कह रहा है वो नहीं सकेगा बंगाल में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ भाईजन का चलेगा या बीजेपी का चलेगा? इतना दिन भाईजन जो था हमारे वो कहाँ थे? इतना दिन कहाँ थे भाईजन? इतना दिन तो नजर नहीं आए। आज इलेक्शन के टाइम में सेकेंड आया आपका कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर जो भी है इलेक्शन में, या बीजेपी है या टीएमसी है, अगर कांग्रेस जीत भी जाता है तो सत्ता में आ जाएगा? नहीं आएगा। सीपीएम आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये लोग जीत के करेगा क्या? ये लोग आया है वोट काटने के लिए, तो हम उसके पीछे, जो समझदार है वो टीएमसी के पास ही जाएगा। बीजेपी चोर है, मोदी चोर है, योगी है, लोग चोर है। योगी से बड़ा, अमित शाह से बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है, योगी से बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। कल का एक यूपी का केस है, कल वहां का एक रेप केस का केस है, एक लड़की को रेप करता है, जब उसका बाप जाके थाना में जब जहां झिड़ी कराता है, जो भी वहां का लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके जब उसके लिए FIR कराता है, उसका बाप जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, जैसे ही उसका बाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के 100 मीटर दूर जाता है, उसका बाप को शूट कर देता है। वहां यूपी कहां है? यूपी मॉडल बता रहा है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर यूपी मॉडल लेके आएंगे। फिर क्या होगा मालूम है? आज मेरी माँ बहन, ये जो हमारी कैमरामैन लेडी है, जैसे आज ये यहाँ खड़ी है, वो आज यहाँ खड़ा नहीं रह पाएगी। अगर यहाँ बीजेपी का सरकार बनता है, हमारी माँ बहन जैसे बैठी हुई है, जैसे घूर रही है रात में 2 बजे को शादी से, पूरा जोहर से, किसी भी एक्सपेक्टेड अपना बेझिझक सब क्या करता है, मेरी माँ चलो कोई बात नहीं है शादी से आ जाना, आ जाएगी, वो नहीं आ सकेगी, वो नहीं टिकट पाएगी। और लोग इसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, किसका जोर दिख रहा है आप? यहाँ पे जोर चल रहा है एक ही, क्या वो है तृणमूल का जी, और कोई पार्टी आसपास, और कोई पार्टी यहाँ पे आने नहीं सकेगी। मेनस्ट्रीम मीडिया में दिखा रहा है भाजपा की लहर चल रही है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही होगा, खाली खेला होगा ममता का और किसी का नहीं। देखिए भाई, गोदी मीडिया बीजेपी, ठीक है, पब्लिक रिव्यू टीएमसी, जनरल जो जेन्युइनली जो घर घर में शोर है वो सिर्फ टीएमसी का शोर है, बीजेपी का शोर सिर्फ गोदी मीडिया में है और किसी के पास नहीं है। हाल फिलहाल एक वीडियो मैंने देखा था फेसबुक में, अपना शिव मंदिर का वीडियो था, एक लड़की वीडियो में बोल रही थी, आप जैसे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उस तरह भाई एक सवाल पूछ रहे थे कि आपको कलकत्ता में, वो थी बिहार की, आपको कलकत्ता में क्या बहुत सहूलियत है? वो बोली हाँ सब कुछ अच्छा है, ममता दीदी के राज में सब कुछ आराम है, तो आप वोट किसको देंगी? वो बोल रही है बीजेपी को। बोले क्यों देंगे? बोले मालूम नहीं। तो मालूम नहीं क्या? मालूम नहीं उसको, मतलब चॉइस नहीं है। और जाएं किसकी सरकार, किसकी तृणमूल
ममता बनर्जी खेला करके चला देगा वो। मोदी जी कह रहे हैं हम कह रहेंगे, मोदी तो चोर है, वो क्या करेगा, वो तो सारा लॉकडाउन कर करके चोरी कर रहा है, पब्लिक को लूट रहा है, पब्लिक को लूट ले रहा है। किसकी सरकार? ममता बनर्जी का सरकार। चलो ममता बनर्जी, बनर्जी की बच्चे बच्चे भी शोर मचा रहे हैं। कौन है मोदी जी? कौन है? गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। नहीं नहीं, आप प्रधानमंत्री, बच्चे ऐसी बात ना कि तो अच्छा है। ऐसे नहीं है, नहीं है, ठीक है, बताइए किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की खुश है? ममता बनर्जी के काम होते हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सारे काम बढ़िया हुए हैं? बहुत बढ़िया। ऐसा काम आपको लगता हो कि आया सरकार तो ये काम भी होने चाहिए? नहीं, मोदी नहीं आना चाहिए, बस मोदी नहीं आना चाहिए, चाहे काम हो हाँ ना हो, ममता आना चाहिए, काम हो रहा है। मैंने ये पूछा, कोई एक आध काम, सारे काम तो कोई नहीं कराता, कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो कुछ ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि आपकी सरकार आए तो ये काम हमारे होने चाहिए, ममता बनर्जी, ऐसा कोई काम है? ऐसा काम अभी बहुत सा काम अभी बाकी है, जब यहाँ पर आएगा तो वो आएगा तो एक ही कर सके, वो है ममता, और कोई नहीं, और कोई नहीं कर पाएगा। जो भी काम हुआ वो मोदी आएगा तो खत्म कर देगा उसको। अच्छा जी, क्या लग रहा है सर, इस बार किसकी सरकार आ रही है सत्ता में? टीएमसी की यार, किसकी आएगी? और किसी की नहीं आ पाएगी? नहीं, और किसी की आने? क्या वजह है इसकी? वजह यही है, ममता दीदी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा काम करते हैं ममता दीदी। अच्छा। उनको बेमतलब का बदनाम किया जाता है। बदनाम किया जा रहा है जी? दावा तो भाजपा कर रही है 200 सीटें हम ला रहे हैं। 200 सीट क्या, उसको 10 सीट नहीं मिलेगी? 10 सीट नहीं मिलेगी? नहीं। अच्छा, ऐसी वजह क्या रही है कि दो तीन पार्टियों वाली सीट आज सबसे बड़ी मजबूत पार्टी खड़ी हो रही है यहाँ पर, टक्कर दे रही है, जो कभी सत्ता में नहीं होती थी, कभी दिल्ली से कोई आता भी नहीं था, लेकिन आज बात हो रही है तो भाजपा की बात हो रही है? भाजपा की बात ऐसी हो रही है, लेकिन आएगी तो टीएमसी आएगी। टीएमसी आएगी जी। अच्छा, मैं सबसे जानना चाहूंगा, यहाँ किसको लगता है कि कांग्रेस या लेफ्ट बना सकती है सरकार? नहीं बना पाएगी, कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा, कोई दम नहीं बना। ममता की सरकार आएगी, ममता की सरकार, टीएमसी कोई नहीं देगा। भाजपा में किसी को लगता है कि भाजपा कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी कितनों को लगता है कि टीएमसी सरकार बन रही है? हाँ, टीएमसी 100% खेला पसंद, खेला होगा, होगा। टीएमसी दे एक घर, एकदम ममता जी देगी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बच्चे भी बोल रहे, बच्चे बोले। देखिए, आप इतना देर से पूछ रहे हैं सरकार किसकी बनेगी। तूफान आता है तो पत्ता जो रोड पे रहता है ना, झाड़ का पत्ता होता है, वो बहुत उड़ता है, लेकिन जब बारिश होता है तो पत्ता बैठ जाता है। भाई ममता बनर्जी अब एक बारिश बन के बैठेगी, मोदी उड़ जाएगा। जी जी, देखिए, पांचवे चरण के चुनाव से पहले, एक रात पहले, ये जनता का जोश है, जनता ने बता रहा है कि रुझान किस तरफ जा रहा है। पांचवे चरण से पहले हमने लोगों से जानना चाहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसको जनता देखना चाहती है सत्ता में, कौन आएगा कौन जाएगा। लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2 मई बेहद करीब है। क्या जो भाजपा नारा दे रही है 2 मई दी दी गई, वो होगा, या तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता संभालने जा रही है बंगाल की? जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।